मैं मेहताब अली, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकरण शिक्षक संघ। जैसा कि अनर्गल बयानबाजी कर सुर्खियों में रहने वाले वसीम बिजली साहब ने मदरसों को एक बार फिर टारगेट करते हुए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर और मदरसों को बंद कराने को लेकर बयान दिया है, जिसकी हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और वसीम रिजवी साहब को हम कहना चाहते हैं कि वो मदरसों में आएं, आकर मदरसों का निज़ाम देखें, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों से मिलें और पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम से मिलें। आज मदरसों की सूरत बदली है, ये यहाँ तक के आधुनिक मदरसों में मदरसा आधुनिकरण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, गैर मुस्लिम टीचर भी पढ़ा रहे हैं। कहीं से आज तक कोई आवाज़ नहीं उठी मदरसों को लेकर, कहीं से किसी को कोई शिकायत नहीं है। आप ही को क्यों है वसीम बिजली साहब? कितना अच्छा होता आप मदरसों की फलाह बहबूद के लिए काम किए होते, बयान दिए होते, आप मदरसों में कंप्यूटर की बात करते, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते, और सबसे जरूरी अहम मुद्दा था मदरसों में। आज आधुनिक टीचर, जो मदरसों में पढ़ाने वाले आधुनिक टीचर हैं, 34 महीने का बकाया मानदेय ना मिलने के लिए त्रस्त हैं, बेहाल हैं। 8 जनवरी से इको गार्डन लखनऊ में लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, उनका कोई पुरसने हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आप उनकी पैरवी करते, कितना अच्छा होता। लेकिन बेहद अफसोस होता है कि आप सुर्खियों में रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक है। मैं तो आपको कहना, आपके लिए ही कहना चाहूंगा कि गुलामों की सफों में खड़े हैं वो, उन्हें तो कौम का सरदार होना चाहिए था। आप बा जाइए रिजवी साहब, बा जाइए, अपनी हरकतों से बा जाइए। बिना तस्दीक के, बिना सबूत के इस तरह के इल्जाम आप मदरसों के ऊपर मत लगाइए। आज़ादी की लड़ाई मदरसों से ही शुरू हुई थी, मदरसों ने हमारे मुल्क को बहुत कुछ दिया है। आप तवारीख पढ़िए, फिर आप जानेंगे कि मदरसों से की ही देन है आज हम आज़ाद हैं, मदरसों की ही देन है, मदरसों से ही आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। यही कहना चाहते हैं, बहुत अफसोस होता है।